वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं ट्रेवल रेंजर्स और आज के दिन हम जा रहे हैं मुमरा में जो शरीफा रोड है उसे पूरा एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें वो सारी चीजें आपको डिटेल में वीडियो में बताने के लिए तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए वीडियो को स्किप नहीं करना है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है अभी आपको यह पूरा कौसा अमृतनगर का एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा सामने की तरफ दारुल फला मस्जिद आपको दिखाई दे रही है और इस बाजू में हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो यहाँ से पूरी शरीफा रोड की गली आपको दिखाई देंगी दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड में पूरा बाजार का एरिया आपको दिखाई देगा जहां पर भी आपकी नजर जाएंगे वहां पे आपको खाने पीने की चीजें जूते छप्पल की दुकान देखने को मिलेंगी कपड़े लेना है वो सारी चीजें आपको मिल जाती है दोस्तों इस बाजू भी मैं आपको दिखा दो सारी जगहों पे सब आपको मार्केट का ही एरिया पूरा दिखाई देगा नगर से के कौसा तक की को मिलेंगी। और बहुत सारी चीजें अंदर की तरफ आपको मिल जाती है सब सुविधाएं आपको मिल जाती है दोस्तों बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ से भी अभी आगे की तरफ जाते हैं यहाँ पे घर अगर लेना चाहेंगे आप तो आठ से दस लाख रुपए से छोटे घर से स्टार्ट हो जाता है और बड़ा घर जितना ज्यादा बड़ा लेंगे तो उतने ज्यादा उसकी प्राइस होती है दोस्तों कुछ इस तरीके से सब यहां पे अंदर ही अंदर ही आपको दिखने को मिलेंगी और सब फ्रूट्स के स्टॉल्स सब शॉप आपको लाइन से बैक टू बैक टू देखने को मिल जाएंगी दोस्तों गली देख सकते हैं कितनी छोटी है यहां पे और ये सारी सोसाइटीज में आपको दिखा तो देख सकते हैं इस बाजू में भी सोसाइटी का गेट है यहाँ पे भी आपको गेट मिल जाता है सोसाइटी के अंदर भी पार्किंग आपको मिल जाती है सामने की तरफ ये जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ी बिल्डिंग मस्जिद है फुरकान आपको देखने को मिल रही है अंदर की तरफ आपको मस्जिद भी मिल जाती है फ्रेंड्स ये गली में हम में जाएंगे सबसे पहले इस बाजू में जो गली है यहाँ पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ की तरफ इंसानगर में आगे की तरफ लेके जाऊंगा देख सकते हैं बेकरी आपको मिल जाती है लाइन है सब शॉप आपको देखने को मिलेंगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंगे अंदर अंदर जितना अंदर तक आप चले जाएंगे आपको सब सोसाइटीज बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे आपको देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स यहाँ से भी आगे की तरफ मैं भी आपको लेके आता हूँ देख सकते गली कितनी ज्यादा छोटी होती यार ये इस बाजू में देखेंगे तो ऐसा सब सोसाइटी पूरी छोटी छोटी बनी हुई है और ये एरिया अभी जो है इस बाजू में जो गली में भी हम अंदर एंटर कर रहे हैं ये पूरा इंशानगर का एरिया है यहाँ पे पहले ही मैंने वीडियो बना चुका है देख सकते हैं ये इंशानगर से अंदर जब हम गली के अंदर आते हैं तो ये पूरा एरिया है और वहां जाके आगे की तरफ गली खत्म हो जाती है तो यहाँ पे तो नहीं जाना है क्योंकि पहले ही वीडियो बन चुकी है पीछे की तरफ लेके आता जो सारी चीज़ें बच चुका है वो सब बताने की आपको कोशिश करता है आगे की तरफ यहाँ पे ग्रीन पार्क आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक एरिया है शरीफा रोड का देख सकते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ है। सब ग्रीन ग्रीन कलर की बिल्डिंग आपको दिखाई देंगी ये पूरा ग्रीन पार्क का एरिया है और बस इतना ही है अंदर की तरफ यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं बताने है ऐसा तो यहाँ से भी अभी हम पीछे की तरफ जाते हैं दोस्तों और क्या क्या चीजें है वो सब बताने की कोशिश करेंगे पीछे के साइड में एक गली छूट गई थी मैंने आपको कहा था कि वो लास्ट में वीडियो में बताएंगे तो उसी गली में अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे और क्या क्या चीजें हैं वहाँ पे वो सब बताएंगे वहाँ पे जो है काफी बड़ी बड़ी और अच्छी सोसाइटीज है मतलब रहने जैसा पूरा एरिया है काफी महंगा भी होगा वहाँ पे देख के

तो आप यहाँ पे सब क्रिकेट वगैरह कुछ इस तरीके से हमारे भाई लोग यहाँ पे खेल रहे पूरा सोसाइटी का ही एरिया है ये रोड नहीं दिखाई दे रहा होगा ये पूरा सोसाइटी का ही, ही सब गली गली में हम अंदर की तरफ आ चुके तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के अपना ख्याल रखे चलिए अल्लाह हाफिज